बच्चों बच्चों भी सेकेंड की थर्ड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो टेम्परेचर से जुड़ा है, जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखना है। हम देखेंगे कि हमारी धरती पर तापमान जो है किस तरह से वितरित है। तो बच्चों, जिस तरह पिछला चैप्टर काफी वैज्ञानिक आधार पर आधारित था, सेम उसी प्रकार इस चैप्टर में भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप उनको देखें और समझने का प्रयास करें कि किस तरह से फिजिक्स जो है हमारी ज्योग्राफी को कुछ आधार प्रदान करती है, और हमारी ज्योग्राफी में जो क्लाइमेटोलॉजी है उसको समझने में फिजिक्स का एक अहम योगदान है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आज की क्लास में देखेंगे कि तापमान और जो हीट है, यानी जो ऊष्मा है, उसमें क्या अंतर होता है। हम साधारण तौर पे यूज करते हैं ये शब्द टेम्परेचर एंड हीट, तो हम देखने का प्रयास करेंगे पहले ये होता क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जो ऊष्मा है वो एक ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा है। ऊष्मा से अभिप्राय ऊर्जा से है, और जब किसी चीज में ऊर्जा देते हैं तो उसमें गर्मी पैदा होती है, और इस गर्मी को नापने के लिए, इस ऊष्मा को नापने के लिए हम तापमान का प्रयोग करते हैं। तापमान ऊष्मा के स्तर को दिखाता है कि किस स्तर की ऊष्मा उपलब्ध है। यदि ऊष्मा अधिक है तो तापमान अधिक होगा, यदि ऊष्मा कम है तो तापमान भी कम होगा। जब किसी स्थान पर हम देखते हैं, यदि हम ऊष्मा को बढ़ाएं, ऊष्मा का स्तर अधिक करें, तो तापमान भी अपने आप अधिक हो जाता है। तो तापमान और जो ऊष्मा है वो आपस में जुड़े हुए हैं। हीट जो है टेम्परेचर को कॉज करती है, यानी हीट कॉजिटिव फैक्टर है टेम्परेचर का। जब हीट अधिक होगी तो टेम्परेचर भी अधिक होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉज टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी टू इंक्रीज और डिक्रीज। जाहिर सी बात है, ऊष्मा जो है, हीट जो है, वो तापमान को बढ़ाती है। अगर ऊष्मा अधिक है तो तापमान बढ़ेगा, यदि ऊष्मा कम है तो तापमान कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन एनी सब्सटेंस। टेम्परेचर क्या दिखाता है? टेम्परेचर ये दिखाता है कि कितनी ऊष्मा उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखें। हम भूगोल में बचपन से ही ये पढ़ते रहे हैं कि हमारी जो धरती है वो मूल रूप से तीन जो कटिबंध हैं उनमें बटी हुई है। यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने अपने आरंभिक ज्ञान से ये ज्ञात किया कि तापमान के आधार पर हम धरती को तीन कटिबंधों में बांट सकते हैं, जो हम हमेशा से ही पढ़ते रहे हैं। यदि हम इन्हें देखें तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री के बीच का स्थान जो है उसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण काफी गर्मी होती है। वहीं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच वाले जो अक्षांश हैं, वहां पर वर्ष के एक समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन में होता है। और वहीं वर्ष के दूसरे समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान कम होता है। तो इसके लिए हम इसको टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत और उष्ण के मिक्स करके शीतोष्ण बनता है बच्चों। वहीं जब हम तीसरे क्षेत्र के बारे में देखें तो 66.5 डिग्री से ऊपर वाले जो अक्षांश हैं, 90 डिग्री तक, यहाँ पर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर साल भर ठंड रहती है। यहाँ एक बात और रोचक भी ये भी है कि ये 66.5 डिग्री से ऊपर वाले स्थान जहाँ साल भर ठंड रहती है, सूर्य की किरणें 6 महीने तक उपलब्ध रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रातें, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं होती। इसके मूल रूप से दो कारण हैं। एक तो सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ने के कारण ज्यादा एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, क्योंकि उन्हें एटमॉस्फेयर में ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, और साथ ही साथ वो जमीन पर बिखर जाती हैं, ज्यादा एरिया को कवर करती हैं, जिसके कारण उतनी गर्मी पैदा नहीं कर पाती जितनी विषुवत रेखीय क्षेत्र पे करती है। ये वो डायग्राम है, आप देखें 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम ट्रॉपिकल रीजन या टॉयरॉयड जोन कहते हैं। वहीं 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री जो 66.5 डिग्री उत्तर है, इसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं।
वही 66.5 डिग्री से उत्तर 90 डिग्री तक जो है शीत कटिबंध कहलाता है, फ्रिट जोन कहलाता है, पोलर रीजन कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है जो सबसे पहला हमारी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। बच्चों किसी भी स्थान पर तापमान को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। यदि हम इन कारकों को देखें तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक जो मैंने पीछे भी बताया उसको हम अक्षांश कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी स्थान की जो अक्षांश होता है वहां पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी ये निर्धारित करता है वो अक्षांश। यदि कोई इक्वेटर के ऊपर है तो वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो आप देखिए इक्वेटोरियल एरिया पर सूर्य की किरणें एक तो वायुमंडल की कम दूरी ट्रैवल करती हैं और साथ ही साथ वो कम जगह फैलती हैं जिसके कारण एक सीमित क्षेत्र में अधिक तापमान को कॉज करती हैं। वहीं जब हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ज़्यादा दूरी तक फैलती हैं और साथ ही साथ वो एटमॉस्फेयर में भी अधिक ट्रेवल करती हैं जिसके कारण इन क्षेत्रों पर तापमान उतना अधिक नहीं कर पाती जितना इक्वेटोरियल एरिया पे करती है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो समुद्र तल से ऊंचाई भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि इस स्थान पर जलवायु को प्रभावित करता है और तापमान को भी प्रभावित करता है। यहाँ पे आपके सामने डायग्राम में एक उदाहरण दिया हुआ है। यदि किसी स्थान का 0 मीटर हाइट पर यानी समुद्र तल पर 30 डिग्री सेल्सियस है तो आप देखेंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ 3000 मीटर की ऊंचाई पर 10.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये बात हमने पिछले चैप्टर में भी देखी कि हमारे यहाँ वायुमंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जिसको हमने नॉर्मल लैप्स रेट कहा था। वो नॉर्मल लैप्स रेट का प्रिंसिपल यहाँ लागू होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो पवनों की दिशा, पर्वतों की दिशा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। पर्वत जो हैं वो किस साइड की ढाल में है। जैसा मैंने पीछे भी चैप्टर में बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे माउंटेन्स होते हैं उनकी साउदर्न स्लोप में अधिक तापमान मिलता है, नॉर्दर्न स्लोप ठंडी रहती है। उसी तरह यदि कोई पर्वत साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो उसकी जो नॉर्दर्न फेस है वो अधिक गर्म रहती है, साउदर्न फेस ठंडी रहती है। तो पर्वतों की जो ढाल की दिशा है जिसको हम एस्पेक्ट कहते हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा समुद्र का प्रभाव, हम जानते हैं जो स्थान समुद्र के पास होते हैं वहाँ पे सम जलवायु मिलती है क्योंकि वहाँ पे ना तो अधिक तापमान होता है और ना ही बहुत कम तापमान होता है। तापमान लगभग एक नैरो रेंज में एक कम दूरी तक आगे पीछे होता है, स्थिर रहता है। समुद्र का प्रभाव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो हमारे साउदर्न स्टेट्स हैं यदि आप किसी भी स्थान को देखें तो वहाँ पर तापमान लगभग समान रहता है। वहीं जैसे जैसे हम दूर जाते हैं समुद्र से, आप दिल्ली को देखें वहाँ पर सर्दियों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो ये जो रेंज है वो भी बढ़ जाती है और तापमान भी प्रभावित होता है समुद्र के प्रभाव से। इसके साथ ही साथ यदि हम पवनों की दिशा की बात करें तो वो भी किसी स्थान पर तापमान को प्रभावित करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। हम साधारण तौर पे देखते हैं जब हवा चल रही होती है तो हम तापमान को कम महसूस करते हैं। हवा चलने पर जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, वो एक जगह से दूसरी जगह बढ़ जाती है और उस स्थान पर तापमान कम हो जाता है। वहीं जब हवा नहीं चल रही होती है तो गर्मी अधिक लगती है। कई बार तापमान को बढ़ाने में भी पवनों की एक अहम भूमिका होती है, जो हमारे उत्तर भारत में मूल रूप से जो ग्रीष्म ऋतु में शुष्क और गर्म जो हवाएं चलती हैं जिनको हम लू कहते हैं वो हमारे उत्तर भारत में चलती हैं, जिसके कारण उनकी गर्मी के प्रभाव से तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा वायु राशियां और महासागर की जो धाराएं होती हैं, हम जानते हैं कि महासागर में दो प्रकार की धाराएं होती हैं, एक ठंडी और गर्म। एक ठंडी जो किसी स्थान पर चलती है तो वहाँ की जो तापमान है वो कम हो जाता है और वहीं जब गर्म जल धारा चलती है तो वो तापमान को बढ़ाने का काम करती है। एक उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, हम यदि लंदन को देखें तो लंदन जो पोर्ट है वो उस अक्षांश पर है जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, लेकिन लंदन पोर्ट जो है हमेशा आने जाने के लिए खुला रहता है क्योंकि यहाँ पर
जो गल्फ स्ट्रीम है वो अपना गर्म पानी लेके आती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में बर्फ नहीं जमती है और पानी पिघला रहता है, और जो हमारा पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो हमेशा चालू रहता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो किसी भी स्थान पर जो तापमान है वो बादलों के कारण भी, बादल जो क्लाउड कवर होते हैं उनके आवरण के कारण भी प्रभावित होता है। ये मूल रूप से यहाँ दो बातें समझने की हैं। यदि आकाश में बादल दिन के समय आते हैं तो वो ठंडक बढ़ाते हैं, तापमान को कम करने में सहायक होते हैं। वहीं जब किसी दिन आप देखेंगे बादल रात को आते हैं तो वो तापमान को अधिक करते हैं, क्योंकि वो जो दिन में ऊष्मा धरती ने एब्जॉर्ब की है उसको बाहर जाने से रोकते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि गर्मी होती है। तो बादल दोनों तरह का रोल करते हैं, तापमान को कम करने में भी और बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अब यदि आगे देखें तो इसके इन सभी के अतिरिक्त पर्वतों का अवरोध, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पर्वत हैं जो हवा को आने से रोकते हैं, तो जिस तरह से वो तापमान को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो वनस्पति का अधिक या कम होना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन स्थानों पर अधिक वनस्पति मिलती है वहाँ पे ठंडक आती है, क्योंकि वनस्पति काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्द्रता छोड़ती रहती है वायुमंडल में, और हरियाली गर्मी को बाधक बनती है, तापमान कम करती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी की प्रकृति, यदि किसी स्थान पर काले रंग की मिट्टी है तो जो ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती है जिसके कारण गर्मी होती है, और हल्के रंग की मिट्टी तापमान को कम करने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त यदि देखें ढाल भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जैसा मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि ढाल को एस्पेक्ट कहते हैं, और ये एस्पेक्ट भी सन रेज के का डायरेक्शन को निर्धारित करता है और अधिक गर्मी या कम गर्मी को करता है। तो इस तरह ये तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक थे। आगे यदि देखें तो एक बहुत ही रोचक जो ये सेगमेंट है, इसमें आप देखेंगे कि तापमान किस तरह बढ़ता है, हमारी धरती किस तरह ठंडी या गर्म होती है। तो जब हम धरती के गर्म होने की बात करें तो सबसे पहला कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो है रेडिएशन। हमारी धरती पे दो तरह का रेडिएशन होता है, एक को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और दूसरे को कहा जाता है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन जैसा हमने पीछे देखा शॉर्ट वेव में आता है और हमारे वायुमंडल को लगभग लगभग कम गर्म करता है या नामात्र के लिए गर्म करता है। हमारी धरती का जो वायुमंडल सबसे अधिक गर्म होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण होता है। हमारी धरती गर्म होती है, हमारी धरती के पास लगी हवा उससे गर्म होती है, और इस तरह हवा में गर्मी बढ़ती जाती है। विकिरण के बाद यानी रेडिएशन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंडक्शन। कंडक्शन हमने अपनी दिनचर्या में बहुत बार देखा है। हम जानते हैं जब हम किसी बर्तन को गर्म करते हैं जिसका हैंडल लोहे का बना है, तो बर्तन से ऊष्मा जो है हैंडल तक आ जाती है, हैंडल भी गर्म हो जाता है। ये ऊर्जा का प्रसारण जो है इसको कंडक्शन कहते हैं, जिसमें ऊर्जा मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। हमारे वायुमंडल को यदि देखें तो हमारे वायुमंडल में जो रेडिएटेड एनर्जी हमें मिली सोलर रेडिएशन वाली, उसने हमारी धरती को गर्म किया, और हमारी धरती ने कंडक्शन द्वारा बहुत सारी ऊर्जा उन पदार्थों में ट्रांसफर कर दी जो हमारी धरती के साथ अटैच थे। तो इस तरह रेडिएशन और कंडक्शन साथ साथ में एक्ट करता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे यहाँ ऊर्जा का प्रसारण करती है, जिसको हम संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं बच्चों, आप सभी ने कभी घर में किसी चीज़ को उबलते हुए जरूर देखा हो। उबाल हमेशा बीच से आता है और दोनों तरफ बट जाता है। एक उबाल में नीचे से पानी या जो भी पदार्थ है वो ऊपर आता है और फिर ऊपर आके दोनों तरफ गिर जाता है, तो उबाल कहते हैं इसको। ये उबाल क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जो पतीला होता है या जो बर्तन होता है उसमें नीचे हीट ज़्यादा हो जाती है, और हीट किसी भी चीज़ को लाइट करती है, लाइटर बनाती है, और वो ऊपर उठता है और देन डिसेंड करता है। तो इस तरह से पदार्थ का, मटेरियल का नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना और फिर ऊपर से फिर नीचे आना, ये जो सर्कुलर मूवमेंट है इसको संवहनीय करंट्स कहते हैं, यानी कन्वेक्टिव करंट्स कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हवा में होती है, हमारे घरों में जब हम कुकिंग करते हैं वहाँ भी होती है। तो आप देखेंगे ये शब्द आपके पास बहुत बार आएगा,
आपको ध्यान देना है कि कन्वेक्शनल करंट गर्मी के कारण उत्पन्न होती है, जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां कन्वेक्शनल करंट उठती है, और ये कन्वेक्शनल करंट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज करती है, तापमान को कम करती है, तापमान को वितरित करती है। इस तरह हमने देखा कि हमारी धरती पर एनर्जी बढ़ जाती है और जिसके कारण तापमान बदल जाता है। आगे देखिए, हमारी धरती पर जब हम तापमान को दिखाते हैं या तापमान का अध्ययन करते हैं, तो तापमान एक ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं देता। अब दिखाई ना देने वाली चीज को मानचित्र पर दिखाने के लिए हमें कुछ काल्पनिक रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है, जिनको हम आइसोथर्म लाइंस कहते हैं। आइसोथर्म वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो मानचित्र पर समान ताप वाले स्थानों को मिलाती हैं। आप देखेंगे बहुत सारे मानचित्र इस तरह के हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जहां पर कुछ लाइनें खींची होती हैं जो तिरछी मिर्छी होती हैं, जो उन स्थानों को मिलाती हैं जहां पर समान तापमान मिलता है। होता क्या है बच्चों, हमारी धरती पर बहुत सारी ऐसे वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन हैं, लैब्स हैं, जहां पर हम तापमान को कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड करते हैं और उनसे आंकड़े लिए जाते हैं, और फिर इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेट करके हम आइसोथर्म्स लाइंस कहते हैं, जो इस तरह दिखाई देती है। ये आपके सामने जनवरी का मानचित्र है। जनवरी में यदि आप ध्यान दें तो जो हमारा सन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा चमक रहा होता है, जिसके कारण हमारी इस तरह की सम ताप रेखाएं बनती हैं। हर समताप रेखाओं का एक नंबर है, आप देखिए इनके कोनों पे लिखा है 20 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री। तो ये ऐसा कहते हैं 20 डिग्री की समताप रेखा, 10 डिग्री की समताप रेखा, 0 डिग्री की समताप रेखा। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि समताप रेखाएं जो हैं वो अक्षांश के लगभग लगभग समानांतर ही चलती हैं, अक्षांशों के जैसे ही बनी हुई है। हाँ, इनमें जो डिविएशन वो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप देखें जहाँ कोई भी समताप रेखा जमीन से समुद्र की तरफ या समुद्र से वापस जमीन की तरफ आती है तो वो मुड़ जाती है। आपको ये घुमाव दिखाई दे रहे हैं, ये इसीलिए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ और ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ एक लाइन है जिसको हम थर्मल इक्वेटर कहते हैं। ये थर्मल इक्वेटर बच्चों जिस हेमिस्फीयर में सन होता है उसी जगह बनता है। जब अभी जनवरी में साउदर्न हेमिस्फीयर में आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है तो यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में है, वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तब होगा जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की लाइनों को हम समताप रेखाएं कहते हैं। ये समताप रेखाएं धरती पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को दिखाने में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सामान्य तौर पर आप देखेंगे जब भी किसी हम वेदर फिनोमेना की स्टडी करते हैं तो हमारे पास जनवरी और जुलाई दो मानचित्र होते हैं, और इन मानचित्रों के आधार पर ही हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर दिखाते हैं। समताप रेखाएं जैसा मैंने बताया कि हमेशा अक्षांशों का अनुसरण करती हैं, ये जल थल के असमान वितरण पर प्रभावित होती हैं और मुड़ जाती हैं। साथ ही साथ ये एक और विशेषता दिखाती हैं जिसको थर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। यदि आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्या होता है, जब दो समताप रेखाएं पास पास होती हैं तो उनके बीच का जो अंतर होता है वो बहुत अधिक होता है, और जैसे जैसे समताप रेखाएं दूर होती जाती हैं दोनों समताप रेखाओं के बीच का जो ताप का अंतर है वो कम मिलता है। ठीक है, तो जिसको हम थर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। तो आपके सामने एक बार जनवरी का फिर से है, तो आप देखिए जनवरी में जो कि सन साउथर्न हेमिस्फीयर में है तो थर्मल इक्वेटर साउथ में है, और आपके सामने टेम्परेचर दिखाया गया है। हर टेम्परेचर की एक आइसोथर्म लाइंस 20 डिग्री की, 10 डिग्री की, 0 डिग्री की है। साउथर्न हेमिस्फीयर में चूँकि ज़्यादातर हिस्सा पानी है तो यहाँ पर जो हमारी आइसोथर्म लाइंस हैं वो लगभग लगभग एक होमोजेनिटी लिए हुए हैं। वहीं जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें यहाँ पर लैंड और वाटर का होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण, एक समान वितरण नहीं होने के कारण काफ़ी उतार चढ़ाव मिलता है। इसी तरह जुलाई का है तो आप देखें जो जनवरी में हमारी थर्मल इक्वेटर साउथ में थी वो जुलाई में नॉर्थ में आ गई थर्मल इक्वेटर, और इसमें बहुत ज़्यादा अंडुलेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगी। इसका सीधा सा कारण जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ पर पानी और ज़मीन का असमान वितरण है, इसके कारण इस तरह की प्रवृत्ति मिलती है। यहाँ आपके सामने रेंज ऑफ टेम्परेचर दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह
अधिकतम और न्यूनतम के बीच में क्या अंतर है। तो आप देखिए कि इक्वेटर के पास रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत मिनिमल है, वहीं जैसे जैसे आप इनर कॉन्टिनेंट जाते हैं, जैसे जैसे आप महाद्वीपों के भीतर जाते हैं, वहाँ वहाँ तापमान का जो जो रेंज है वो बहुत अधिक है। आप देखें सहारा रेगिस्तान के ऊपर 30 डिग्री है, कालाहारी डेजर्ट के पास 20 डिग्री है, वहीं साइबेरिया में ये 60 डिग्री तक चले जाते हैं, यानी अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 60 डिग्री है। तो आप समझ सकते हैं कि महाद्वीपों पर जल के जो वितरण है उस पर तापमान का कितना विस्तृत प्रभाव है। महाद्वीपों के जो स्थान अंदर स्थित हैं, सागर से दूर हैं, वहाँ पर उतना ही तापमान में भिन्नता मिलती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो हमारे इस चैप्टर में हमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर भी देखना है। आप सभी जानते हैं कि सामान्य तौर पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। आपके सामने वायुमंडल की परतें दिखाई गई हैं और ये एक लाइन जो है टेम्परेचर को इंडिकेट करती है। हम जैसे जैसे ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में एक बार तापमान स्थिर हो जाता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी क्षेत्र में जहाँ पर ओजोन मिलती है, इस क्षेत्र में तापमान बढ़ने लगता है। फिर ऊपर जाने पर तापमान एक बार कम होता है और मीसोस्फीयर हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र है, जहाँ पर -80-90 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, तापमान बहुत कम हो जाता है। फिर ऊपर जाने पर एक बार फिर से तापमान बढ़ता है और एक्सोस्फीयर के बाहर तापमान कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है। तो इस तरह वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यदि हम देखें तो टेम्परेचर के बढ़ने और घटने का क्रम लगातार चलता रहता है। टेम्परेचर जिस परत में नाप रहे हैं उसकी विशेषता के आधार पर ही तापमान की घटने और बढ़ने की दर निर्धारित होती है। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसको हम कहते हैं तापमान की विलोमता। अभी जैसा मैंने पीछे बताया कि यदि हम 165 मीटर ऊपर जाएं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। सामान्य तौर पर ये दशा मिलती है, लेकिन कई बार विपरीत दशाएं हो जाती हैं, जिसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। जब तापमान ऊपर जाने पर घटने की बजाय बढ़ने लगे तो उस स्थिति को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। दोबारा सुने, सामान्य तौर पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है ऊंचाई पर तापमान बढ़ने की बजाय घटने की बजाय बढ़ने लगता है, जिसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ये मूल रूप से तब मिलता है जब कुछ खास परिस्थितियां होती हैं। ये परिस्थितियां कौन सी हैं? सबसे पहले लंबी रातें। यदि रातें लंबी हैं तो दिन छोटे हैं, तो दिन में कम ऊष्मा धरती को मिलती है और धरती की ये ऊष्मा जल्दी ही समाप्त हो जाती है, जिसके कारण हमारी धरती पर ठंडक हो जाती है और ऊपर तापमान अभी बड़ा होता है, हमारी वायु उतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। हमारी वायु के कंपैरिजन में हमारी धरती जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसके कारण इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मिलता है। इसके अलावा साफ आकाश जब होता है, तो जब साफ आकाश होगा तो जाहिर सी बात है सारी ऊष्मा चली जाएगी, निकल जाएगी धरती की, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जिसके कारण तापमान इन्वर्ट होने की संभावनाएं मिलती हैं। इसके अलावा शुष्क हवा जहां पर हो, ठंडी हवा जब जमीन के पास चल रही हो, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होने की संभावनाएं होती हैं। और इसी तरह बर्फ की उपस्थिति के कारण भी तापमान की इन्वर्जन हो पाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि किसी स्थान पर बर्फ गिरती है, या आप लगाएं कि अपने क्षेत्र में ओले गिरते हैं, तो ओले गिरते हैं तो वायुमंडल का जो धरती के पास वाला हिस्सा है वो ठंडा हो जाता है, लेकिन जैसे ही हवा में थोड़ा ऊपर जाते हैं तो गर्मी होती है। तो ऊंचाई पे जाने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है, इसको हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या तापमान की विलोमता कहते हैं। ये तापमान की विलोमता मूल रूप से तीन प्रकार की मिलती है। सबसे पहला धरातलीय विलोमता, यानी सरफेस इन्वर्जन। ये सरफेस इन्वर्जन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और खास तौर से एनसीआर के रीजन में हम इसे लगभग हर साल देखते हैं। होता क्या है बच्चों, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है उसका सीधा प्रभाव जो है वायुमंडल में प्रदूषण का जो स्तर है उसके बढ़ने से होता है। आप देखें, सामान्य तौर पर जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो जो हमारी फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है वो बाहर चला जाता है, ऊपरी आकाश में चला जाता है, जिसका प्रभाव लोअर एटमॉस्फेयर पर उतना नहीं पड़ता जितना इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के समय पड़ता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के समय
क्योंकि अब हवा में मिक्सिंग नहीं हो रही होती है, हवा ऊपर नहीं जा रही होती है, हवा नीचे ही स्थिर हो जाती है, स्थिरता आ जाती है, जिसके कारण हमारे जो चिमनियाँ हैं, जो फैक्ट्रियाँ धुआं निकालती हैं, वो नीचे ही कंडेंस हो जाता है, नीचे ही स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और इसके कारण एक खास तरह की समस्या उत्पन्न होती है जिसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं या सिंपल स्मॉग कहते हैं, SMOG। ये स्मॉग जो है हमारी सांस में जाता है और कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां प्रभावित करता है। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है, खास तौर से जो सरफेस इन्वर्जन है, वो तब मिलता है जब जब हमारे दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं और लोअर एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है और अपर एटमॉस्फेयर अभी गर्म होता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी आती है और इस तरह से स्मॉग बनता है, जो काफ़ी एक विकट स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। इसके अलावा यदि देखें तो कई बार एडवेक्शनल इन्वर्जन भी बनता है, जब दो विपरीत गुणों की ठंडी और गर्म हवा मिलती है। तो आप जानते हैं कि ठंडी हवा ज़मीन के पास आती है क्योंकि वो भारी होती है, और गर्म हवा ऊपर जाती है क्योंकि वो हल्की होती है। तो जहाँ इस तरह की परिस्थिति बनती है, नीचे ठंडी हवा ऊपर गर्म हवा, तो इस तरह के क्षेत्र को एडवेक्शनल इन्वर्जन कहते हैं, ये भी कई बार मिलता है। इसके साथ ही साथ कई बार अपर सरफेस जो इन्वर्जन है वो भी मिलता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों पे मिलता है या और ऊपर जाएं तो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है। जैसा मैंने पीछे बताया कि स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाने पर ओजोन परत मिलती है, ये ओजोन परत ऊष्मा को अवशोषित करती है जिसके कारण काफ़ी गर्मी मिलती है। जब ऊष्मा अवशोषित होगी तो जाहिर सी बात है तापमान अधिक होगा, तो इस तरह से अपर एटमोसफियर में भी इन्वर्जन मिलता है, जिसको अपर सरफेस इन्वर्जन भी कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि अपर सरफेस इन्वर्जन पर्वतों के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और अपर एटमॉस्फेयर यानी मूल रूप से स्ट्रेटोस्फीयर के कंटेक्स्ट में भी हो सकता है। तो इस तरह हमने देखा धरातलीय सरफेस इन्वर्जन, हमने देखा एडवेक्शनल इन्वर्जन, हमने देखा अपर सरफेस इन्वर्जन, ये तीन तरह के इन्वर्जन होते हैं। एक और जो बात आपको पढ़नी है, एक रोचक बात जो है वो है टेम्परेचर एनोमली यानी तापमान विसंगति। कई बार ऐसा देखने में आता है कि यदि हम सामान्य तौर पर देखें तो कोई जो स्थान एक अक्षांश पर स्थित है उस अक्षांश का एक औसत तापमान होगा। यदि हम उस औसत तापमान से किसी स्थान जो उसी अक्षांश पर स्थित स्थान है यदि उसके तापमान का अंतर देखें तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है, उसको हम टेम्परेचर एनोमली कहते हैं। होना ऐसा चाहिए कि एक अक्षांश पर स्थित विभिन्न स्थानों का तापमान समान होना चाहिए, लेकिन मूल रूप से कई बार जल और थल के असमान वितरण के कारण एक खास फिनोमिना मिलता है जिसको टेम्परेचर एनोमली कहते हैं यानी तापमान विसंगति कहते हैं। उत्तरी अक्षांश में यदि उत्तरी गोलार्ध में मूल रूप से हम देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जल और थल की बहुत असमानता है जिसके कारण विसंगति अधिक मिलती है। वहीं जब हम दक्षिणी गोलार्ध की यदि बात करें तो वहाँ पे जल अधिक है, स्थलीय भाग कम है, जिसके कारण लगभग लगभग होमोजेनिटी है, लगभग लगभग समानता है, जिसके कारण तापमान विसंगति कम मिलती है। तो एक बार फिर बताऊं कि तापमान विसंगति पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब औसत तापमान से अधिक किस स्थान का तापमान भी मिल सकता है, औसत से कम भी तापमान मिल सकता है, तो इसको टेम्परेचर एनोमली कहा जाता है। तो बच्चों इस तरह इस चैप्टर में हमने टेम्परेचर से जुड़ी हुई बहुत सारी नई कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आई होंगी। आप इसको जो टेक्स्ट है वो पढ़ें, मैं आपको जो PDF दूंगा वो भी पढ़ें, और साथ ही साथ प्रयास करें कि आपके सामने जो कुछ लघु प्रश्न हैं, कुछ दीर्घ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दें। ये उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखते रहें, असाइनमेंट के रूप में मैं आपसे ये लूँगा। तो आप सभी को इनका ध्यान देना है और सही और विस्तृत आंसर लिखना है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं ताकि चीज़ें आप एक्सप्लेन कर पाएं। तो इस तरह ये चैप्टर था, इसमें यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, कॉलेज के जो ग्रुप है उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके कोई सुझाव हैं, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है तो आप स्वच्छंद रूप से पूछ सकते हैं, आपको जो समस्याएं हैं उनका निराकरण मैं करूंगा। इसी तरह यदि आपके कोई और भी सुझाव हैं तो आप इस ईमेल ID से भी मेरे से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह बच्चों इस चैप्टर में हमने टेम्परेचर और टेम्परेचर की जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी। आप इसको अच्छे से पढ़ें
आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।